सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप एक ऐसा लैपटॉप है जो कि इंडिया में आप लोगों को 12 मंथ्स खरीदने को मिल जाएगा, लेकिन यहां पे एक एस्ट्रिक मार्क कंडीशन ये है दोस्तों, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन होती है। इनकी ज्यादातर स्टॉक ही देखने को मिलेगी एंड कभी कभी आती भी है तो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक वो हो जाती है। तो वैसे ही दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं आज जो कॉन्फ़िगरेशन लेके आया हूं वो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इसके जो हैं दोस्तों, यहां पे थोड़े बहुत टेस्टिंग स्कोर्स आ गए हैं। एंड बाय द वे दोस्तों, ये वाला जो प्रोसेसर है दैट इज 6000 सीरीज, तो यहां पे आप लोगों को प्रोसेसर में AMD Ryzen 7 6800S देखने को मिल जाता है। आइए बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, दैट इज Acer Nitro 5 गेमिंग लैपटॉप 2022 वेरिएंट। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं यहां पे आप लोगों को बता दूं, जो कि टेस्टिंग यूनिट है वहां पे आप लोगों को 16GB रैम देखने को मिलेगी। तो यहां पे डुअल 8GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज की आप लोगों को जो है रैम देखने को मिलेगी। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को RTX 3060 ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है। एंड गेस व्हाट, यहां पे जो TGP वैल्यू है फ्रेंड्स वो निकल कर आती है 140 वॉट। एंड बाय द वे दोस्तों, यहां पे जो पैनल यूज किया गया है दैट इज क्वाड HD पैनल 15.6 इंच का 65 हर्ट्ज की जो है यहां पे आप लोगों को रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। एक सरप्राइजिंगली चीज दोस्तों यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगी कि इसके अंदर आप लोगों को USB 4 Gen 2 पोर्ट देखने को मिल जाएगा। दैट मींस अप टू थियोरेटिकल स्पीड जो है आप लोगों को 20 Gbps की यहां पे देखने को मिल सकती है, व्हिच इज लॉट बेटर। एंड यहां पे फ्रेंड्स आप लोगों को HDMI 2.1 देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइसिंग है लगभग 1600 यूरोस देखने को मिल जाती है। नाउ फ्रेंड्स, यहां पे मुद्दा ये नहीं है कि इंडियन प्राइसिंग में कितनी होगी, एक बात यहां पे सुनिए, ये जो 1600 प्राइसिंग है दोस्तों आप लोगों को वो दिख रही है, वो पिछले साल से 400 यूरोस ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोग देख पाएंगे कि इंडिया में भी जो है इस लैपटॉप की प्राइसिंग आप लोगों को बड़ी भी देखने को मिल जाएगी। और एक सेगमेंट रहता है दोस्तों यहां पे Acer Nitro 5 का कि एक बजट गेमिंग लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, तो इनकी जो हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को कहीं ना कहीं बजट एंड वाली लाइनअप में देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि इनकी जो लोअर एंड सीरीज है उसको स्टिल जो है यहां पे एग्रेसिवली प्राइस्ड किया हो। बात करते हैं दोस्तों यहां पे Cinebench स्कोर्स के, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों Cinebench R23 R20 के आपको जो है स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। सिंगल कोर परफॉर्मेंस यहां पे आपको देखने को मिलती है फ्रेंड्स, और यहां पे आप लोगों को मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स कि यहां पे लगभग AMD Ryzen 9 5900HX से जो है 5% परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे बेटर ये वाला प्रोसेसर आपके रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे फ्रेंड्स कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली उसका जो है यहाँ पे आप लोगों को प्राइस पे करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। एनीवे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत भी वैल्यू मिलती है देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी और काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। एंड फ्रेंड्स, कुछ बजट एंड लैपटॉप्स के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पे जाके उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं।